الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون। हज़रात ग्रामी कदर, अल्लाह तबारक व ताला ने अहले ईमान इस्लाम को खुशी के दो अजीम शान मौके अता किए हैं। उनमें से एक मौका आज का दिन यानी ईद उल फितर का दिन है। ईद उल फितर दर हकीकत शुक्राने का एक अजीम शान दिन है। अल्लाह तबारक व ताला ने हम पे कुरान जैसी अजीम शान किताब हमें अता फरमाई, जिसके शुक्राने के तौर पे हर महीने रमजान मुबारक के रोजों को रखने का हुक्म दिया गया। और जब हमने रोजों को रख लिया, उस फर्ज को अदा कर लिया जिसमें फकत हुलूस ही हुलूस था, रियाकारी का नामो निशान भी न था, इसलिए कि नमाज में रिया मुमकिन है, जकात में रिया मुमकिन है, हज कुर्बानी में रिया मुमकिन है, लेकिन रोजे में रिया के कोई इम्कान मौजूद नहीं। इंसान तन्हाई के अंदर हलवत में पानी पी भी सकता था, खाना खा भी सकता था, लेकिन उसने अपनी हलवत के अंदर खाना ना खाकर और पानी ना पीकर और शरीक जिंदगी से किनारा कशी को अख्तियार करके इस बात को वादे कर दिया, अल्लाह तेरे हुक्म के ऊपर जायज हाइशात को दबाया जा सकता है। गोया के तजदीद अजम किया, अल्लाह अगर तेरा हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह सारा साल नजायज हाइशात को भी दुबा लिया जाएगा। हजरात ग्रामी कदर, अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों की इस काविश के ऊपर बड़ा ही खुश हुए और अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ईद उल फितर जैसा अजीम शान त्यौहार अता फरमा दिया। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी को बयान फरमा दिया कि अरश वाले मालिक अतालान फरमाते हैं, असौमली वन अजली भी, रोजा मेरे लिए हर्ज की जदा फकत मेरे ही पास है, और दूसरे आराब के मुताबिक असौमली वन अजा भी, रोजा मेरे लिए हर्ज की जदा मेरी अपनी जात है। हजरात ग्रामी कदर, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, हरीरो दीबा के लिबास मिल जाएंगे, गिलमान की हिदमत मिल जाएगी, हूरों की रिफाकत मिल जाएगी, तो ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व ताला जन्नतियों से इस्तफसार करेंगे, आप किसी और नेमत की जरूरत तो नहीं, तो जन्नती इन नेमतें पे पाया के हसूल के बाद ये बात कहेंगे, अल्लाह इतनी नेमतें मिल गई, अब किसी नेमत की जरूरत बाकी नहीं रही। वो चेहरा जिसको दुनिया में कोई आंख नहीं देख सकी, वजूह यौमाइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उस चेहरे के सामने से हिजाबों को हटा दिया जाएगा। जब अल्लाह के चेहराए पुर जलाल के ऊपर नजर पड़ेगी तो जन्नती सजदे में चले जाएंगे और इस बात का इजहार करेंगे, अल्लाह तेरे दीदार की नेमत में जन्नत की सारी नेमतों को हेज कर रख दिया है। हजरात ग्रामी कदर, खुशी का यह त्योहार हमें इस बात के पर भी आमादा और तैयार कर रहा है कि हमने जो दरस हासिल किया, तकवे का हासिल किया, लिल्लाहियत का हासिल किया, गुनाहों से इज्तिनाब का हासिल किया, हेरात के अंदर पेश कदमी का हासिल किया, नेकियों के अंदर भरने चढ़ने का हासिल किया, हमने इस दरस को अब बाकी सारा साल भी नहीं भूलना। जो इंसान मुत्तकी बन जाता है, परवरदिगारे आलम में ऐलान फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, मुत्तकी तुम बन जाओ, दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियों को मैं अता फरमा दूंगा। परवरदिगारे आलम, वो कौन सी कामयाबियां हैं जो तकवा के नतीजे में मिलने वाली हैं? ऐलान हुआ, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजन वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, जो मुत्तकी बन जाएगा अल्लाह उसकी तंगियों को दूर फरमा देंगे और उसको रिज़्क वहां से देंगे जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकता। और फिर ऐलान हुआ, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युसरा, जो मुत्तकी बन जाएगा अल्लाह उसके मामलात को आसान बना देंगे।
और फिर इरशाद हुआ वही यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युज़हिब लहु अजरा, जो मुत्तकी बन जाएगा अल्लाह उसकी हताओं को मुआफ कर देंगे, अजर को दो चंद बना देंगे। हजरात गिरामी कदर, बस्तियों के रहने वाले लोग, शहर लाहौर के रहने वाले लोगों, पंजाब के रहने वाले लोगों और पाकिस्तान के रहने वाले लोगों, अरश वाले ने इस बात का भी ऐलान फरमा दिया, वलौ अन्ना अहलल कुरा मनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़। अगर बस्तियों के रहने वाले मुत्तकी बन जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान और जमीन से उनके लिए बरकात के दरवाजों को खोल देगा। हजरात गिरामी कदर गौर कीजिए, हमने सारे निजाम आजमा लिए, हमने तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग पीपल पार्टी सारे दस्तूर मंशूर आजमा लिए, लेकिन अमन नहीं मिला, चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मैं इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूँ, अमन भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। कब मिलेगा? जब अरश वाले के निजाम को जमीन पे कायम कर दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, अगर चाहे इस मुल्क के अंदर दस्तूरी रास्ते में बड़ी रुकावटों को खड़ा किया गया है, इंतहाबाद के अंदर रिगिंग का कल्चर आम हो चुका है और दस्तूर के अंदर जो है इस्लामी निजाम के लिए जदोजहद करने वाली जमातों के रास्तों को रोका जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह आईनी दस्तूरी जदोजहद गलबाए दीन की इंशाल्लाह जारी रखेंगे। हजरात क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह। और हजरात गिरामी कदर में आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ कि दुनिया वाले इज्जत करते हैं हसब की वजह से, नसब की वजह से, नाम की वजह से, माल की वजह से, लेकिन अल्लाह वो है, इन्नहु ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम वा मालिकुम। वो तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, वो तुम्हारे अम्वाल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल और माल, तुम्हारे दिल और अम्वाल को देखता है। हजरात गिरामी कदर, इज्जत किसके लिए है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इज्जत न मालदार की, इज्जत न जागीरदार की, इज्जत न सरमायादार की, इज्जत न आकड़ के चलने वाले की, इज्जत न किसी मुतकब्बर की। इज्जत अगर मिलेगी तो इंशाल्लाह तकवे की वजह से मिलेगी। और हजरात गिरामी कदर मैं ये बात भी कह देना चाहता हूँ, अल्लाह के फजल करम से ईद आजाद गान का अजीम शान इज्तिमा हजरत सैयद दाऊद गजनवी के दौर की यादगार है और हजरत अल्लामा शहीद की जो है जानदार हिदाबत की यादगार है। अल्लाह के फजल करम से वो भी हक बात करते रहे, उन्होंने अय्यूब खान की आमरियत को नहीं देखा, ज़ियाउल हक की आमरियत को नहीं देखा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बादशाहत को नहीं देखा। नजर उनकी अगर किसी पे होती थी तो या रब के कुरान पे होती थी या कमली वाले के फरमान पे होती थी। हजरात गिरामी कदर, आज हम भी इसी बात का इजहार करने के लिए आए हैं मीनारे पाकिस्तान के इस अजीम शान इज्तिमा में। मैं इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूँ, इंशाल्लाह अदल का, इंसाफ का, रोशनी का प्रचार और ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, यह मुमलकत हमने हासिल की अदल के लिए हासिल की, इंसाफ के लिए हासिल की और यहाँ पर सारे के सारे काम इससे बिल्कुल उलट हो रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, इदिलु हुआ करबुल तकवा, अदल करो इसलिए कि तकवा के करीब है। लेकिन हजरात गिरामी कदर, इस वक्त हालत यह है, मुल्क के अंदर रिलीफ अगर किसी के लिए है तो अमीर के लिए है, मुल्क में रिलीफ अगर किसी के लिए है तो जागीरदार के लिए है, मुल्क में रिलीफ अगर किसी के लिए है तो सरमायादार के लिए है। और उलमा के लिए क्या है? हाथों में हथकड़ी है, पैरों में भेड़िया है, झूठे इल्जाम है, जेल की काल कोठरियां हैं। हजरात गिरामी कदर, हमारा भाई मौलाना अबू बकर माविया, वो कल भी बेगुनाह था, वो आज भी बेगुनाह है। मैं पाकिस्तान के वजीर दाखला मोहसिन नकवी को मुहातिब होकर ये बात कह देना चाहता हूँ, तुम किसी गिरोह के वजीर दाखला नहीं हो, बल्कि तुम पाकिस्तान के वजीर दाखला हो। अगर तुम में इंसानियत है, अगर तुम में अदालत है, तुम में इंसाफ है, तो जिन पुलिस वालों ने अपनी कचड़ी में रखकर मौलाना अबू बकर माविया के ऊपर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया है, ऐसे लोगों को तहखाने दार पर लटका देना चाहिए। हजरात गिरामी कदर, क्या ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
حضرات گرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں, کسی کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے والے نہیں ہیں, اور کسی کے ٹل چومنے والے نہیں ہیں, کسی کی قدم بوسی کرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ اپنے بھائی کے مقدمے کو لڑا جائے گا اور بے گناہ بھائی کو جیل کے انشاءاللہ رہائی کو دلوایا جائے گا. اور وہ عورتیں جو پردے داری کی دشمن ہیں, وہ عورتیں جو نکاح کی دشمن ہیں, وہ عورتیں جو ہم جنسیت کی حامی ہیں, وہ عورتیں جو پردے داری کی حامی ہیں, ان کی بکواسیات کو جوتے کے تلوے پہ اڑا دیا جائے گا اور ملک میں شرم و حیا کے پرچم کو لڑا دیا جائے گا. حضرات گرامی قدر, کہ آپ قیام عدل کے لیے اور حصول انصاف کے لیے کہ آپ ہمارے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. کیا دستور آئین اور قانون کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے ملک میں علماء مذہبی جماعتوں مذہبی اداروں اور مدارس کے لیے انصاف کے حصول کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. کل تک جیو ٹی وی بکواس کرتا رہا اور سانحہ تاندلہ والا کو غلط انداز سے پیش کرتا رہا اور ہمارے بیان کو کاٹ کاٹ کے لوگوں کے سامنے رکھتا رہا. آج جبکہ مولانا کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کو پولیس کی حراست کے اندر بدکرداری کا الزام لگایا جا رہا ہے, جیو والے سو رہے ہیں اس لیے کہ جیو بکتا ہے, بلا مول بکتا ہے, چنٹکوں میں بکتا ہے. اس کے پاس حق کہنے کی صلاحیت اس کے پاس حق کہنے کی صلاحیت موجود حضرات گرامی قدر انشاءاللہ. اور تم جو مرضی کر لو, جتنی مرضی برانڈنگ کر لو, جتنے مرضی ٹیپ کر لو, انشاءاللہ حق کو منوا کے چھوڑیں گے اور پرچم حق کو اٹھا کے چھوڑیں گے اور مظلوم مسلمانوں کو انشاءاللہ قید و بند کی سہولتوں سے آزاد کروا کے چھوڑیں گے اور اس ملک میں انشاءاللہ عدل انصاف اور تقوی کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما, اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما, اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا. اے اللہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما, اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما, اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما, اللہ ان کو صہیونیوں کے پنجوں سے رہائی نصیب فرما. اللہ میں عید کی سچی خوشیاں نصیب فرما. اللہ تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرما. اے اللہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا اٹھانے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ اس ملک میں انصاف کی بات کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہمیں حق کے اوپر اپنے اکابرین کی طرح استقامت نصیب فرما. اللہ ہمارے دل سے اپنے غیر کے خوف کو کھرچ کے باہر نکال دے. اللہ ہمیں دین کے اوپر استقامت نصیب فرما. اللہ ہمیں کوئی پہ استقامت نصیب فرما. اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما. اللہ غریب اور مفلوق و حال طبقوں کو عید کی حقیقی اور سچی خوشیاں نصیب فرما. اللہ جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما. نجائز معاملات میں ہماری اصلاح فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.